नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडियन न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज की एक बड़ी अपडेट इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, बता दें कि सुशील कुमार की कुश्ती और जुर्म की दुनिया में अपने फ्लैट पर कब्जे की बात से परेशान था सुशील कुमार। दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरा मामला? जुर्म की दुनिया में डसता जा रहा था सुशील कुमार और आखिरकार जाकर उसने गलती कर दी, जिससे अब वो अपने आप को इतना पछतावे में ले चुका है कि अब सिर्फ पुलिस और उसका संबंध इतना घेरा हो चुका है कि अब जो क्राइम की दुनिया है उसके अंदर सुशील कुमार काफी हद तक फंस चुका है और पुलिस उसे लेकर काफी सीरियस है और सुशील कुमार से लगातार पूछताछ पे कहीं ना कहीं खुलासे हो रहे हैं, जो कि अहम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और आज एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो भी हम आप तक लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जानना चाहते हैं तो अभी कभी वीडियो को पूरा देखेगा। और दोस्तों, आप सुशील कुमार से संबंधित आगे की अपडेट चाहते हैं तो चैनल के नीचे एक लाल बटन देर का उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जानते हैं आखिरकार क्या है पूरी कहानी। पूर्व मेडलिस्ट चैंपियन सुशील कुमार को मॉडल टाउन स्थित फ्लैट कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जचड़ी के राइट हैंड जय भगवान उर्फ सोनू महाल को देर का था। विवादित प्रॉपर्टी होने से सोनू के साथ गोरगो रोमन पहलवान सागर धनगढ़ को भी फ्लैट में रखा गया था। सोनू और सागर अच्छे खनने लगी थी। सुशील फ्लैट खाली करना चाहता था लेकिन सोनू तैयार नहीं था। इस कुर्ती और जुर्म की दुनिया में कबूच वाली रात फ्लैट गई डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील इस इज्जत से जोड़ लिया। इसलिए 4-5 मई की रात को मारपीट की गई थी। क्राइम ब्रांच के विवादित फ्लैट के दस्तावेज भी मंगवाए लिए हैं, जिसको तैयार करने की फर्जीवाड़ा करने की आशंकाएं हैं। छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई की रात वर्गों के रोमन पहलवान सागर हत्याकांड की असली वजह फ्लैट पर कब्जा करना था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये हत्याकांड की असली वजह है। सुशील ने काला जतड़ी के मामा के बेटे सोनू महाल को ये विवादित फ्लैट रहने के लिए दिया था। मॉडल टाउन स्थित विवाद फ्लैट के दस्तावेज तैयार होने के बाद सुशील उस बचाना चाहता था, इसलिए बकायदा कस्टमर ढूंढ जाने लगे थे। इसलिए सुशील उस फ्लैट को खाली करना चाहता था लेकिन सोनू महाल की नियत में खोट आ गया, वह फ्लैट छोड़ना नहीं चाहता था। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सुशील की फ्लैट पर कब्जे वाली बात फैल चुकी थी। इस पहलवान काफी परेशान था। लिहाज 4 मई की सोनू महाल और सागर समेत 5 लोगों को उठा लिया गया था। इससे छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर मारपीट की गई थी। किसी तरह रविंदर छूट कर भाग गया, जिसने पुलिस को कॉल कर दी। सुशील वह बहुत तक छत्रसाल स्टेडियम स्थित घर में रहा, जबकि सागर की मौत का पता चलते ही वह शलीमार बाग वाले घर में चला गया और यहीं से फरार हो गया। सुशील ने 17 दिन की फरारी के दौरान मोबाइल सिम निकाल कर लिया था। डोंगल का इस्तेमाल कर टेलीग्राम ऐप के जरिए रसूखदार लोगों से मदद के लिए कॉल किया था। पुलिस सूत्र ने बताया है कि सुशील की तरफ से निज बुवाइयां और काला सौदा गैंग के कुल 18 आरोपी झगड़े में शामिल थे। इनमें से सुशील समेत 9 अरेस्ट हो चुके हैं और बकाया की तलाश में जारी है पुलिस। ऐसे ही दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित आगे के अपडेट चाहते हैं तो नीचे चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट हम लगातार अपडेट करते रह रहे हैं आपको, और आप जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, जानिएगा आगे आने वाले तमाम अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।